टाटा मोटर्स भारत में ईवी टेक्नोलॉजी को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाना चाहती है। इसका मतलब है ऐसा ईवी बनाना जो कीमत और प्रदर्शन के बीच संतुलन रख सके। ये ऐसी चीज बन गई जिसने ईवी की सहूलियत और किफायत के साथ साथ लोगों को उनमें मौजूद फन टू ड्राइव फैक्टर यानी उसके मजे से भी वाकिफ कराया। देखिए कैसे टाटा मोटर्स ने वक्त के साथ मुकाबला किया। अगर आप ज्यादा वक्त लगाएंगे तो जब तक गाड़ी आएगी उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। और एक ईवी बनाने के लिए नए तरीके अपनाए देश में ही देश के लिए। This is such a beautiful thing to be able to create electric vehicle within India. भविष्य काफी रोमांचक और शानदार होने वाला है। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में ही हैं। हमें कोशिश करनी होगी हर गाड़ी को ऐसा बनाने की कि उससे कोई प्रदूषण ना हो। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों से ही मुमकिन हो सकता है। 2015 में भारत सरकार के एक बड़े फैसले से इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन और उन्हें खरीदना सस्ता बना दिया। इसके साथ ही इस स्कीम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधाएं बढ़ाने की भी योजना तैयार की। 2016 में सरकार ने गाड़ियों के एमिशन नॉर्म्स को सख्त बनाया। उसने घोषणा की कि 2020 के बाद बिकने वाली पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की सभी गाड़ियां भारत स्टेज 6 नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए। BS4 से BS6 पर जाने का सच में बहुत बड़ा असर पड़ा। ऑटोमेकर्स और कंज्यूमर्स के लिए ये लागत में बहुत बड़ा उछाल था। हमारे सामने ये साफ था कि BS4 से BS6 पर जाने पर गाड़ियों की लागत पर काफी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के लिए बिल्कुल सही हालात थे। देश में ही विकसित एक बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ने 2017-18 में ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का फैसला किया जो पहले से मौजूद पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बराबरी कर सके। पिंपरी चिंचवाड़ पुणे से 15 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल शहर। यहाँ टाटा मोटर्स के बड़े कारखाने हैं। 228 एकड़ में फैले कारखाने में हर साल 2,25,000 कार्स और SUVs का उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना एक बिल्कुल ही अलग तरह का काम था। हम लोग पहली बार एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे, इसलिए हमें उसके बारे में पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसीलिए टाटा मोटर्स ने बिल्कुल शुरुआत से नई गाड़ी बनाने की बजाय अपनी पहले से मौजूद गाड़ियों में से एक को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने का फैसला किया। लेकिन कौन सी कार? टाटा मोटर्स ने इसका जवाब ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट मैंगो के नाम से एक सर्वे शुरू किया। नतीजों पर गौर करने पर 3 अहम बातें सामने आई और सिर्फ एक कार यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सो में ये तीनों खासियतें थी। पहली खासियत परफॉर्मेंस। शुरुआती दौर की बात करें तो भारत में ईवीज को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और अगर हमें उन्हें देश में उपभोक्ताओं की खास पसंद में शामिल करना था तो ये पक्का करना जरूरी था कि परफॉर्मेंस में ये लोगों को आकर्षित कर सके। इसके लिए एक बड़े ताकतवर इंजन और उसके साथ एक संतुलित बॉडी की जरूरत थी। दूसरी खासियत रेंज। ये वो दूरी है जो ईवी एक बार चार्ज करने पर तय कर सकती है। पहले की ईवीज में बैटरी पैक्स छोटे थे, इसलिए वो सिर्फ शहरों में चलती थी, उनकी ज्यादा रेंज नहीं होती थी। तो मुझे ऐसी कार की जरूरत थी जो एक बार चार्ज करने पर कम से कम 220 किलोमीटर जा सके। इसका मतलब था उसमें एक हाई कैपेसिटी बैटरी बनाना। बैटरी कार के फ्लोर पर लगाई जाती है, इसलिए टाटा मोटर्स को ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। तीसरी खासियत सेफ्टी। बेस नेक्सॉन की इमेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि ये एक एक्सट्रीमली सेफ गाड़ी थी और उस समय से पहले ही इसे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी थी। अब टीम को सही दिशा मिल गई थी।
कामयाबी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कार कितनी अच्छी थी, बल्कि इस बात पर भी कि ये कितनी जल्दी बाजार में पहुंचेगी। भारत में ईवीज को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सिर्फ ऐसी गाड़ियों का उत्पादन और विकास ही जरूरी नहीं है, बल्कि चाहिए एक इकोसिस्टम जो ईवीज को अपनाने में मौजूदा रुकावटों को तोड़ सके। टाटा मोटर्स ने टाटा ग्रुप के अंदर से ही एक्सपर्ट्स को लेकर रुकावटों से निपटने का फैसला किया। कीमत और प्रदर्शन के बीच बैलेंस बनाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी के विकास, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मुहैया कराने तक टाटा यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट और अनोखा प्लेटफॉर्म है जो टाटा ग्रुप के अंदर सक्रिय रूप से सहयोग करता है, जिसमें ईवी इकोसिस्टम बनाने और देश में इलेक्ट्रिफिकेशन के सफर को तेज करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी टाटा मोटर से बनकर निकलने वाले पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर करती थी। नेक्सॉन ईवी का विकास कर रही टीम को इस कार को बाजार में उतारने के लिए सिर्फ 12 से 16 महीने दिए गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजीज में तेज विकास की जरूरत होती है। अगर आप ज्यादा वक्त लगाएंगे तो जब तक गाड़ी आएगी उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी था कि तेजी से विकसित होने वाला मॉडल बनाया जाए, ताकि टेक्नोलॉजी की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम जब भी अपने प्रोडक्ट्स लाएं तो लोग उसे अपनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टाटा मोटर्स की टीम इतने कम समय में बिजली से चलने वाली गाड़ी बना पाएगी? वो ये काम कैसे कर पाएगी? ईवीज भारत में यातायात का भविष्य है। इस भविष्य को आकार देने के लिए टाटा मोटर्स ने 2018 में नेक्सॉन को ईवी में बदलने का फैसला किया। टीम के पास इसे तैयार करने के लिए बस 12 से 16 महीने थे। 12 महीने नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? कार का विकास करना एक उलझा हुआ काम है। इसके लिए कई डिपार्टमेंट्स और अलग अलग कंपोनेंट्स के स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सप्लायर्स के बीच बहुत बारीक तालमेल की जरूरत होती है। इस तरह के कन्वर्जन प्रोजेक्ट में 30 महीने तक का समय लग जाता है। टाटा मोटर्स की टीम के पास इससे आधा वक्त था। हमने जिस सप्लायर से बात की उन्होंने कहा, माफ कीजिए, आपने कितना समय बताया? आप कुछ साल कम करके बता रहे हैं हमें। हम में से कोई नहीं जानता था कि क्या चुनौतियां होंगी। बस एक ही अच्छी बात थी कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बन रहा था। नेक्सॉन ईवी बनाने की प्रक्रिया पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में टाटा मोटर्स के विशाल कारखाने में शुरू होती है। स्टील की शीट्स को पहले गाड़ी के अलग अलग हिस्सों यानी कि रूफ, फ्लोर्स, फ्रेम्स और दरवाजों के रूप में ढाला जाता है। आकार देने के बाद इन्हें वेल्ड शॉप में भेजा जाता है, जहां ऑटोमेटेड रोबोट्स लेजर के जरिए सिंक्रोनाइज्ड प्रिसिशन के साथ वेल्डिंग करते हैं। फ्रेमिंग और मेटल फिनिशिंग लाइंस में सभी हिस्से आपस में जुड़ते हैं। इन मेटालिक शेल्स को बॉडी इन व्हाइट या BIWs कहते हैं। इसके बाद BIWs को 60 किलोमीटर दूर रंजन गांव में पेंट एंड ट्रिम शॉप में भेजा जाता है।
टाटा मोटर्स डिजाइन लैब ने ईवी लाइन के लिए एक अनोखा रंग बनाया है। नील हमारे लिए एक दिलचस्प शेड था क्योंकि हम सबकी तरह इसे हरे रंग का नहीं रखना चाहते थे। ग्रीन की जब बात आती है तो ये बहुत ही आम कलर लगता है। ये वाला कलर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अनोखा रंग है जो हमारी सारी ईवीज का ब्रांड कलर बन गया है। पेंट की हुई शेल्स की फिनिश को स्मूथ करने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है और फिर ट्रिम लाइन में भेज दिया जाता है, जहां कार्स में लाइट्स, विंडशील्ड्स, बम्पर्स और एक्सेंट्स लगाए जाते हैं। डिजाइन लैब ने एक्सेंट्स के लिए भी ईवी ब्लू कहलाने वाला एक खास रंग बनाया। गाड़ी के अंदर भी ईवी ब्लू रंग की चीजें हैं, डैशबोर्ड पर, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में, सेंट्रल कंसोल पैनल में और सीट कवर्स की सिलाई पर। फर्स्ट जनरेशन नेक्सॉन एक फ्रेंडली कार थी, एक आसान दोस्ताना किस्म की अपनी ओर आकर्षित करने वाली गाड़ी। अब ये ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में दो अहम पावर एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, ऑन बोर्ड चार्जर और हाई वोल्टेज केबल्स, जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर और कूलिंग सिस्टम्स तक पहुंचाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पुणे के पास मौजूद एक कारखाने एप्टिव से रंजन गांव पहुंचते हैं। 2018 में जब टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए एप्टिव में संपर्क किया था, तो उस कंपनी के पास भारत में उनके निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइंस नहीं थी। उस समय भारत में नेक्सॉन ईवी जैसी कोई गाड़ी नहीं थी। टेक्नोलॉजी को जनता तक पहुंचाना हो, चाहे वो हो ट्रेडिशनल इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन्हें जरूरत होती है उत्पादन की बड़े पैमाने पर। टाटा मोटर्स कुछ पार्ट्स को भारत में ही बनवाना चाहती थी ताकि लागत कम रहे और नेक्सॉन ईवी भारत सरकार की फेम स्कीम का फायदा उठाने के लायक बन सके। 2018 में किसी को यकीन नहीं था कि ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम अपने सप्लायर्स को सिर्फ सप्लाई करने के लिए नहीं बल्कि भारत में ही उनका मैन्युफैक्चर करने और इन्वेस्ट करने के लिए भी कह रहे थे। नई मैन्युफैक्चरिंग लाइंस बनाना बहुत खर्चीला है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खपत के बारे में कई सवाल खड़े किए गए। स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू करने से पहले सप्लायर्स टाटा मोटर्स से जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार कितना बड़ा हो सकता है। इस कारोबार में हमें सिर्फ खरीदने वाले पहलू यानी सप्लाई बेस को मैनेज करने की आदत थी, लेकिन अब हमें लोगों को समझाना पड़ रहा था कि इसमें कितनी संभावना थी। जब आप बाजार में बिल्कुल नया काम शुरू करते हैं तो ये करना पड़ता है। उनके ऐसा करने पर हमें भारत में उस नई टेक्नोलॉजी को लाने और लागत को भी कम करने का मौका मिला। इसके लिए हमने अपने ग्लोबल एक्सपर्ट्स यानी जर्मनी और चीन के ऑफिस से एक्सपर्ट्स को बुलाया। उन्होंने यहाँ आकर इस लाइन को डिजाइन करने, इसे बनाने में हमारी काफी ज्यादा मदद की। एप्टिव की ये मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हाई वोल्टेज वायरिंग और चार्जिंग कंपोनेंट्स बनाती है और उन्हें टेस्ट करती है। सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है, इसीलिए हम लोग 3000 वोल्ट पर टेस्ट करते हैं। क्वालिटी जांच में खरा उतरने पर इन कंपोनेंट्स को नेक्सॉन ईवी में लगाने के लिए रंजन गांव भेजा जाता है। इसके बाद ईवी के सस्पेंशन और टायर्स लगाए जाते हैं। इस समय गाड़ियों को ग्लाइडर्स कहा जाता है, जो बैटरी और पावर ट्रेन लगाए जाने के लिए तैयार हैं। ग्लाइडर्स को पुणे में टाटा मोटर्स के मुख्य कारखाने के ब्लॉक में भेजा जाता है। बैटरी और पावर ट्रेन वो चीजें हैं जो बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ्यूल बेस्ड गाड़ियों से अलग करती हैं। ईवी में गाड़ी को चलाने के लिए मैकेनिकल इंजन की जगह एक मोटर होती है। इसमें फ्यूल नहीं जलता बल्कि बैटरी से एनर्जी मिलती है।
पावर ट्रेन असेंबली में सबसे पहले ईवी में मोटर लगाई जाती है। ईवी की परफॉर्मेंस ग्राहकों के लिए और फिर चिंता का एक और विषय था। लोगों को हमेशा लगता था कि आईसी इंजन व्हीकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीमे होते हैं, और फिर हमने उनसे कहा कि ज़िप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ ईवी की जो परफॉर्मेंस है, टेक्नोलॉजी है, वो होने वाली है ज़्यादा बेहतर, काफ़ी तेज और बेहद ही दमदार किसी भी आईसी इंजन व्हीकल की तुलना में। हमारे पास आज जो 95 किलोवाट की मोटर है वो पहले से अवेलेबल थी, और हमने ये पक्का किया कि वो गाड़ी में सही तरीके से इंटीग्रेट हो जाए। असेंबली लाइन पर मोटर में क्रेडल लगाई जाती है। इस पर ऑन बोर्ड चार्जर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लगाई जाती है। पूरी गाड़ी में पावर भेजने के लिए वायरिंग हार्नेसेस लगाए जाते हैं। फिर मोटर और क्रेडल यूनिट को ग्लाइडर में लगा दिया जाता है। स्टार्ट करने पर मोटर तुरंत टॉर्क पैदा करती है और 10 सेकंड के अंदर यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पर पहुंच जाती है। लेकिन इसके लिए इसे एक ताकतवर बैटरी की जरूरत होती है, जो नेक्सॉन ईवी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत अहम है। टीम ने यह बैटरी कैसे डिजाइन की और क्या वो इसे इतने कम समय में विकसित कर पाए? नेक्सॉन ईवी बनाने के लिए बहुत तालमेल के साथ काम करने की जरूरत होती है। मोल्डिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और फिटमेंट्स के बाद अब ईवी में इसका दिल यानी बैटरी लगाने की बारी है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल है। हम ये पक्का करना चाहते थे कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। रेंज ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। हमने ग्राहकों का एक सर्वे किया कि उनके लिए एक कंफर्टेबल रेंज क्या होगी, कितनी। हमें पता चला कि ग्राहकों को कम से कम 200 किलोमीटर की रेंज की उम्मीद तो थी ही, तो ज़िप्ट्रॉन में हमने कम से कम 250 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देने का वादा किया। इसका मतलब था कि एक अंदाजे से हमें कार में 30 किलोवाट एनर्जी का इंतजाम करने की जरूरत थी। बैटरी कार में काफी बड़ी जगह घेरती है, वजन भी बढ़ाती है और ग्राहकों के लिए दो सबसे अहम बातें तय करती है, रेंज और ईवी की कीमत। इसे विकसित करने में वक्त भी लगेगा, लेकिन टीम के पास वक्त बहुत कम था। हमने पूरे टाइमिंग प्लान पर गौर करके सोचा कि इसे कैसे कम किया जाए। इसके लिए एक साथ कई काम शुरू करने पड़े हमें। नेक्सॉन ईवी टीम को काफी छोटा रखा गया था। टीम के सभी सदस्यों को पुणे ले जाया गया। कोर टीम रोज स्टैंड इन मीटिंग के लिए मिलती थी। हर रोज होने वाली वर्क मैनेजमेंट मीटिंग्स बहुत अहम होती हैं, क्योंकि इनकी वजह से प्रोग्राम के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए लोग एक जगह पर एक साथ मिलते हैं, और ये सभी लोग इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे ये परेशानी किसी और के काम पर असर नहीं डाल रही या किसी और फंक्शन पर, और कैसे इसे सुलझाना है। डिजाइन की बारीकियों को कंप्यूटर एडेड डिजाइन या CAD प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। टीम ने सवालों को समझने के लिए सिमुलेशंस करके देखे, जैसे बैटरी कितनी बड़ी होगी और कार में कैसे फिट होगी, या बैटरी का डिजाइन बदलने से गाड़ी को चलाने के डायनेमिक्स पर क्या असर पड़ेगा। इससे विकास की प्रक्रिया तेज हो गई। और उस वक्त जब हमारे पहले प्रोटोटाइप्स बनकर तैयार हुए, हमें ये पहले से ही मालूम था कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग लाइन के इंजीनियर्स जानना चाहते थे कि असल में गाड़ी में बैटरी कैसे फिट होगी, लेकिन बैटरी तैयार नहीं थी। कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले सीबा ब्लॉक से
बैटरी का एक मॉडल बनाया गया जो कि डिजिटल डिजाइन से मेल खाता था। सबसे पहली बैटरी के सामने आने से पहले ही हमने अपनी प्रोडक्शन लाइन में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे और हम ये देखना चाहते थे कि बैटरी कैसे फिट होगी और उसमें कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्सॉन ईवी की बैटरी गाड़ी के फ्लोर पर फिट होने के लिए बनी है। इसका 230 किलोग्राम का वजन गाड़ी के फ्रेम पर आगे और पीछे बढ़ जाता है, जिससे गाड़ी का ट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसकी हैंडलिंग भी बेहतर हो जाती है। जब बैटरी के प्रोटोटाइप्स तैयार हो रहे थे, तभी टाटा ऑटो कंपोनेंट्स को टैको को बड़े पैमाने पर उनके निर्माण के लिए और प्रदर्शन, टिकाऊपन और सुरक्षा की जांचों के लिए तैयार कर लिया गया। बैटरी पैक में मॉड्यूल्स में पैक्ड लिथियम आयन सेल्स लगे हैं। हर मॉड्यूल में कूलिंग पाइप्स लगे हैं। लिक्विड कूलिंग का बैटरी में होना बेहद जरूरी है, खासकर इंडिया जैसे हॉट वेदर के लिए। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे होने पर बैटरीज की एफिशिएंसी कम हो जाती है। राजस्थान जैसे राज्यों में गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री के पार जा सकता है। चार्ज या डिस्चार्ज होते समय बैटरी से भी गर्मी पैदा होती है। इन्हें ठंडा करके उस तापमान पर बनाए रखना जरूरी है जिस पर ये सबसे अच्छी तरह काम करती है। अगर कार की परफॉर्मेंस इन कंडीशंस में भी बनी रहती है तो बैटरी लिक्विड कूलिंग से परफॉर्मेंस के साथ बैटरी की ड्यूरेबिलिटी भी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। प्रोजेक्ट मैंगो सर्वे से पता चला था कि लोग भारत की पानी भरी सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने को लेकर परेशान थे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पानी के अंदर होने या पानी के संपर्क में आने को लेकर लोगों के मन में मौजूद डर को हटाना हमारे लिए बहुत अहम था, क्योंकि लोगों में डर था कि कहीं गाड़ी से होकर कोई इलेक्ट्रिक करंट उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। इसका हल ये था कि बैटरी को पानी, नमी और धूल से बचाने के लिए सील कर दिया जाए और IP67 रेटिंग हासिल की जाए। ये रेटिंग प्रमाणित करती है कि बैटरी को आधे घंटे तक पानी में डुबोने के बाद भी पानी बैटरी तक पहुंच नहीं पाता। टाटा मोटर्स को अपनी बैटरी पर इतना भरोसा है कि ये बैटरी पैक पर 8 साल की वारंटी देती है। बैटरी को सिर्फ पानी और तापमान से ही खतरा नहीं रहता। डिजाइन करने के दौरान बैटरी प्रोटोटाइप्स को कई तरीके से आजमा कर देखा गया। इन टेस्ट्स में हम बैटरी पैक को भारत की आम सड़कों जैसे बुरे हालात में आजमा कर देखते हैं, यानी गड्ढों और कच्ची सड़कों जैसे हालात में डाल कर देखते हैं। इन्हीं सब हालात को गाड़ियों को झेलना पड़ता है। डेवलपमेंट स्टेज के दौरान बैटरी पर कुल मिलाकर 45 टेस्ट किए गए। एक लिफ्ट बैटरी को व्हीकल फ्लोर तक लाती है। फिर वर्कर्स लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और अर्थिंग वायरिंग को बैटरी से जोड़ते हैं। कूलेंट कनेक्शंस लगाए जाते हैं। आखिरकार बैटरी पैक से एक फ्यूज जोड़ा जाता है। अब बैटरी को चालू करके देखा जाता है कि गाड़ी रोड पर जाने के लायक है भी या नहीं। गाड़ी स्मूथ चले इसके लिए व्हील अलाइनमेंट टेस्ट किया जाता है। प्रदर्शन की जांच के लिए रोल एंड ब्रेक, एक शावर टेस्ट जिसमें ईवी पर 9 मिनट तक 1.8 बार्स के दबाव से पानी डाला जाता है।
इससे ये पक्का हो जाता है कि केबिन के अंदर पानी तो लीक नहीं कर रहा। आखिर में क्वालिटी अश्योरेंस टीम जांच करती है कि कार में हर छोटी से छोटी चीज सही हो। कारखाने से निकल रही हर नेक्सॉन ईवी के कुल 12 टेस्ट किए जाते हैं। आज 70 नेक्सॉन ईवीज इस लाइन पर लगातार बनकर निकल रही हैं। इस कारखाने में सालाना 10,000 ईवीज के निर्माण की क्षमता है। टीम ने बहुत कम समय में नेक्सॉन ईवी को बनाने के लिए इंजीनियरिंग के बिल्कुल नए तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रदर्शन और सुरक्षा की जांच के लिए प्रोटोटाइप्स पर कई तरह के टेस्ट किए गए। सबसे पहले क्रैश टेस्ट। मैं लॉन्च के लिए तैयार हूं, क्लियरेंस की वेट कर रहा हूं। क्लियर है? ओके, लॉन्च। नेक्सॉन ईवी में 30 किलोवाट आवर की बैटरी से इसका वजन 200 किलोग्राम बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट जैसी कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी? हर असली क्रैश टेस्ट के साथ हम सैकड़ों सिमुलेशंस भी करके देखते हैं कंप्यूटर पर। सिमुलेशन से टीम को अगले टेस्ट के लिए तैयार होने में मदद मिली। यात्री सुरक्षित रहें, इसके लिए कार के सेफ्टी फीचर्स को बदला और मजबूत किया गया। फिर कार का सामना कराया गया कुदरती ताकतों से। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। हॉट चेंबर में तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर ईवी के प्रदर्शन को नापा गया। कोल्ड चेंबर में लगभग बर्फीले हालात में बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के प्रदर्शन को आजमाया गया। वाटर रीडिंग टेस्ट में बैटरी की IP67 रेटिंग की जांच के लिए कार को पानी में चलाया गया। कार भले ही कुदरती ताकतों को झेल ले, लेकिन क्या यह भारत की सड़कों के दबाव पर खरी उतरेगी? फोर पोस्टर टेस्ट में खराब रास्तों जैसे हालात पैदा किए जाते हैं जो गाड़ी के सस्पेंशन को झेलने पड़ सकते हैं। सस्पेंशन और राइड कंफर्ट को बारीकी से ट्यून करने के लिए ईवी को एक टॉर्चर ट्रैक पर चलाया जाता है। फिर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने की ताकत को आजमाने के लिए रैंप पर चढ़ाया जाता है। इसे एनीकोइक चैम्बर यानी बाहर की सभी आवाजों को रोकने वाले कमरे में टेस्ट किया जाता है। पूरी खामोशी में हल्की सी आवाज भी बहुत तेज सुनाई देती है। इंजीनियर्स उस पर गौर करके उसे पैदा करने वाले हिस्से को ठीक करते हैं। इस तरह हर तरीके से ठीक ठाक होकर कार भारत के बाजार में उतरने के लिए तैयार हो गई।
इसका प्रदर्शन काफी शानदार था। ये ऐसी चीज बन गई जिसने ईवी की सहूलियत और किफायत के साथ साथ लोगों को उनमें मौजूद फन टू ड्राइव फैक्टर यानी उसके मजे से भी वाकिफ कराया। लेकिन नेक्सॉन ईवी तो टाटा मोटर्स द्वारा पेश की जा रही चीजों का सिर्फ हिस्सा था। कंपनी बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस भी देना चाहती थी। इसके लिए घर और पब्लिक प्लेसेस पर चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाने थे। टाटा मोटर्स भारत को बिजली से चलने वाली गाड़ियों के युग में लाने के लिए मिशन पर है। भारत जैसे शुरुआती बाजार में नेक्सॉन ईवी कई ग्राहकों का इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहला परिचय करवाएगी। इसीलिए ये अहम था कि कंपनी एक कारगर चार्जिंग एक्सपीरियंस भी डिलीवर करे। इसमें टाटा यूनिवर्स के एक खास हिस्से टाटा पावर ने भूमिका निभाई। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने दो चार्जिंग सॉल्यूशंस पेश किए। फास्ट चार्जर्स महज 60 मिनट में बैटरी को शून्य से 80% तक रिचार्ज कर देते हैं। इन्हें पब्लिक प्लेसेस और हाईवेज पर लगाया गया है। सभी नेक्सॉन ईवी के साथ एक होम चार्जिंग सॉल्यूशन भी होता है जिसे ग्राहक के घर या दफ्तर में लगाया जाता है। घर में बैटरी को पूरा चार्ज करने में लगभग 10 घंटे लग सकते हैं। आप अपने घर में इसे रात भर चार्ज पर लगाकर छोड़ सकते हैं और कितनी चार्जिंग हो रही है इसे जी कनेक्ट ऐप पर देख सकते हैं। जी कनेक्ट ऐप ग्राहकों को पब्लिक प्लेसेस और हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन ढूंढने और फास्ट चार्जर्स इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करने में भी मदद करता है। एक अनुमान है कि 2026 तक भारत की सड़कों पर 20 लाख ईवीज होंगे। उनके लिए 4 लाख पब्लिक चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ऐसे 2000 से भी कम चार्जर्स हैं। इसका मतलब है कि महज 5 सालों में चार्जिंग के इंतजाम को लगभग 200 गुना बढ़ाना होगा। शहरों में और हाईवेज पर चार्जर्स लगाने के लिए टाटा मोटर्स और टाटा पावर मिलकर काम कर रहे हैं। हम इस पर टाटा मोटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सही जगहों जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस और ऐसी पब्लिक लोकेशंस की भी तलाश की जहां पर चार्जर्स लगाए जा सकें। हम पक्का करते हैं कि डीलर्स जब गाड़ियां बेचना शुरू करें तो हमारा इंतजाम वहां पहले से मौजूद हो और हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमने कॉफ़ी शॉप्स, ढाबाज और फूड कोर्ट्स की भी पहचान की जो 2 शहरों के बीच में थे और उनके साथ टाई अप किया ताकि ये पक्का हो सके कि जब भी लोग उन जगहों पर आएं और वहां पर रुकें तो जिस दौरान वो खाना खा रहे हों साथ साथ अपनी गाड़ियों को चार्ज भी कर पाएं। मुझे आमतौर पर कई फैक्ट्रीज में आना जाना पड़ता है, जालंधर, नरवाना और दिल्ली एनसीआर में कुछ शहरों में। रोज मैं तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती हूँ। टाटा के चार्जर्स एक तो चंडीगढ़ में हैं, करनाल में हैं, यहाँ से जालंधर तक जीटी रोड पर हर टाटा शोरूम में चार्जर्स हैं। इसीलिए मेरे लिए हर 30 मिनट में रुकना बहुत आसान है। जीटी रोड पर गाड़ी औसतन 1 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए 200 से 210 किलोमीटर तक जाती है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं 15 मिनट रुककर चाय पी लूं और मेरी गाड़ी भी चार्ज हो जाए और मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। अभी हमारे 600 से ज्यादा चार्जर्स हैं जो साल के अंत तक 3000 से ज्यादा हो जाएंगे। एक भरोसेमंद और हर जगह उपलब्ध चार्जिंग नेटवर्क से आने वाले वर्षों में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को लोगों की पसंद बनाने में आने वाले सबसे अहम रुकावटों में से एक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दशक में भारत में ईवीज के लिए क्या संभावना है? टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाने के मिशन पर है ताकि देश बिजली की गाड़ियों को अपना सके। ये 2030 तक ड्राइव ईवी अडॉप्शन के भारत के लक्ष्य के हिसाब से है। इन लक्ष्यों के मुताबिक 2030 तक भारत में बिकने वाले सभी प्राइवेट 4-व्हीलर्स में 30% बिजली वाली गाड़ियां होंगी। कल्पना कीजिए
आज जो देश में ऐसी 1,00,000 से भी कम गाड़ियां हैं, यहां से आगे बढ़कर ये 2030 में कुल बिक्री का 30% हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से ये गाड़ियां सालाना बिक्री का कम 45% हों और हमें इसका यही स्तर बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दशक में भारत इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? इस विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है, ग्राहकों के सामने ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इंटरनल कंबस्टन इंजन्स वाली गाड़ियों की तुलना में ईवी को खरीदने और चलाने की लागत कितनी है, इसमें सरकार अहम भूमिका निभा सकती है। ये बताना जरूरी है कि इकोसिस्टम प्लेयर्स में इनके लिए दिलचस्पी पैदा करने में सरकारी नीतियों की भूमिका रही है। ये वाकई काबिले तारीफ है और ग्राहकों में भी, जो हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की लागत का 30% हिस्सा बैटरीज का होता है, इसीलिए बैटरी की कीमत कम रखना अहम है और ये बहुत तेजी से हो रही है। 2010 में बैटरी की कीमत $1,120 प्रति किलोवाट आवर थी, जो 2020 में घटकर $137 प्रति किलोवाट आवर रह गई। तो बैटरी की कीमतों में 89% की कमी आई है। टेक्नोलॉजी की घटती कीमत और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के मेल से ICE गाड़ियों की तुलना में बिजली की गाड़ियों को खरीदने की कुल कीमत कम होती जा रही है। भारत जैसे देश में ग्राहक एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता है जो उसकी चाहत और किफायत दोनों के बीच बैलेंस बना सके। जैसे जैसे बिजली से चलने वाली गाड़ियों की कीमत कम होगी, नई टेक्नोलॉजी पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधाएं भी बेहतर होंगी, तो इससे भारत उस हालत में पहुंच जाएगा जहां बिजली से चलने वाली गाड़ियों को अपनाना जरूरी हो जाएगा। हम ऐसी ईवीज लाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी फीचर्स, प्राइस और ड्राइविंग रेंज के बीच सही बैलेंस कायम कर सके। हम यही संतुलन बनाना चाहते हैं ताकि EVs इस देश में मेनस्ट्रीम चॉइस बन सके। भविष्य काफी रोमांचक और शानदार होने वाला है। नेक्सॉन ईवी की दास्तान बताती है कि क्रांति कैसे शुरू की जाती है, एक अहम बदलाव कैसे शुरू होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को नई दिशा देना, देश को इवॉल्व टू इलेक्ट्रिक के लिए तैयार करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण की हिफाजत करना, यही है क्रांति।